अब हम ही एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। हाँ, और तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। हाँ, तुम बस जमशेद को अपने काबू में रखो, बाकी मैं संभालूंगी। हाँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों ने मेरे सर पर डाल दी है, कैसे करूंगी मैं पढ़ाई पे फोकस? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ग्रेड के साथ साथ ना मेरी जिंदगी भी सीक्रेट हो गई। अम्मा, इतने बड़े अरमान से आपने अपनी बच्ची की शादी की थी ना, सब धरी की धरी रहे, हाथ से निकल जाएगा सब। आप कुछ पूछ रहा हूँ मैं? मेरा अब ये क्या जवाब देगा? ये ले इसका फोन। बाबा, वो मेरे दोस्त, यकीन करो इससे दोस्त है और कुछ भी नहीं। क्या है? है? क्या है ये? क्या है ये? जवान बच्चे बाहर नहीं उठाओ। पाखे 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 फाखिर, 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 रुको, फाखिर। क्या करे, कहाँ जा रहे? जहन्नुम में जा रहा हूँ, आपको क्या से? वो एनी क्या कह रही है? ये दिमाग खराब हो गया उसका, कुछ भी बोली जा रही है। आमने वाली बात ठीक है। हाँ, मैं करता हूँ आमना से बात, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आप लोग सोच रहे। मेरी दोस्त है, मेरा स्कूल है यार, और कोई तो मेरी बात दिल की समझे। मैं हूँ ना, मुझसे करूँ, मैं समझती तुम्हारी दिल की बात, लेकिन खुदा के लिए कुछ कर रहे, ये मामला अलग है। जानता हूँ मैं उसके साथ फंस गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हर चीज के लिए जिम्मेदार मुझे ठहराएं। जा रहो यार, बस सही है। लाग में दम कर रखा है, हमेशा वो काम करता है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं होती। अरे तुम बैठ तो जाओ, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, बच्चा है, बच्चे ही गलतियां करते हैं, हमारा काम उन्हें समझाना। अभी ना समझ है, थोड़ी देर के बाद वक्त के साथ साथ अकल आ जाएगी ना। कहाँ ना समझ है अम्मा, शादी हो गई है, अभी नहीं रोका तो कब रोकेंगे? सीधा करके रख दूंगा मैं इसे, ये खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है, मैं समझता हूँ इसे अच्छी तरह से। आप ही को कुछ फहमी हो रही थी भाई कि जिम्मेदार हो गया है, बड़ा हो गया है, सब संभाल लेगा, बच्चा ही तो है, कहाँ संभाल सकता है ऑफिस की बात दौड़। हाँ ठीक है, तुम गलत फहमी थी मेरी, काम का मैं सोच रहा था कि ऑफिस जाएगा, काम सीखेगा, कल को मेरी बाजू बनेगा, बन ये तो। आप परेशान ना हो भाई, ऑफिस की भागदौड़ फराज संभाल लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सब देख लेंगे। हद हो गई। बस मैं तो समझती हूँ कि अनी ने जो किया बहुत गलत किया भाई, ये शौहर बीवी की बातें जरा सबके सामने रखी जाती हैं क्या? है, और फिर किसी ने फाखिर की तो बात सुनी है नहीं, उसका भी तो कोई नपता नजर होगा, क्यों नहीं सुना तुम लोगों ने उसकी बात? अरे छोड़े अम्मा, गुस्सा करता है ये, खाम खा उसके। चले और आए, बात तो सही कर रहे। क्या बात सही कर रहे? चले पानी लाओ। Good.
doesn't pray our guru was a hero. आपको तो मुझसे खुश होना चाहिए, मुझ पे फख्र होना चाहिए कि मैंने अपनी आवाज उठाई, अपने लिए बात की। आप तो उल्टा मुझे ही सुना रही हैं। बातें नहीं सुना रही है नी, सिर्फ ये कह रही हूँ इस तरह सबके सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी। तमाशा? अम्मा अगर मैं ये तमाशा अभी नहीं करती ना तो 2-3 दिन बाद या फिर कुछ महीने बाद मेरा तमाशा बन जाता। नहीं नहीं, हर बात को करने के और भी तरीके होते। तुम इतनी जल्दबाजी पता नहीं क्यों की। मुझे बता देती, मैं बात करती। आप बात करती? कैसे बात करते? कभी आपने अपने लिए रखी नहीं बात? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है अम्मा कि अगर आप उस वक्त ये सब करती ना तो शायद उस वक्त आपका शौहर रुक जाता। मैं आपकी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हूँ अम्मा, ना ही मैं गुजारूंगी वो जिंदगी। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, भले मेरी मर्जी से शादी हुई है या नहीं हुई, लेकिन वो दूसरी बीवी लेकर आने का ना सोचेगा भी नहीं। हाँ क्या हुआ? सब खैर? ये क्या है? उन्होंने तो कहा था कोई इमरजेंसी है, फौरन है। और इमरजेंसी ना कहती तो आ जाना था आपने। बहुत खुश हूँ मैं। को पता है आलिया ने शादी कर ली है। आलिया ने शादी कर ली है? हमें बुलाया नहीं इसने। कैसे बुलाती? क्या कहती कि मेरी बहन है और उसका शौहर आ नहीं सकता? हाँ क्या पता आपको कि बिन माँ बाप की बच्चियों को क्या क्या सहना पड़ता है जिंदगी में। वो तो भला वो उस लड़के का कोई सवाल नहीं किया, कुछ नहीं पूछा और शादी कर ली। ना कोई सवाल ना पूछ गछ कुछ नहीं किया। तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई गड़बड़ नहीं है, हमारी आलिया है ही ऐसी। अब मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई तुम मुतमईन हो तो कर लो। चलो ये अच्छा हो गया। हाँ। सादगी से आके शायद मैम आइए जमशेद अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शौहर हैं तुम्हारे? आप जानती हैं आप इन्हें? आलिया ही? ये तुम्हारी बहन है? हाँ। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इससे क्या हो गया? क्या मतलब? हबीब भाई आप पागल हो गए हो क्या तुम लोग? तुमने शादी से पहले तुमने कुछ पूछा नहीं है? इनकी बहन का नाम क्या, फैमिली क्या है, कुछ नहीं पूछा? कोई पूछगिछ नहीं की? तुमने आयशा को पता लगेगा तो वो हंगामा खड़ा कर देगी। वो कहाँ से बीच में आ गई हमारे मसलों में? अभी हमारे इतने मसले चल रहे हैं। आयशा कोई मुझे बताएगा भी कि यहाँ पे वो क्या रहा है? आलिया ये आयशा का भाई है। और पुरानी बातें मत निकालो। अभी क्यों नहीं निकालो? मैं भूल गई हूँ क्या कैसे बेइज्जत करके गया था ये बंदा मुझे? भाई ये मेरी बहन बहुत मासूम है, ठीक है? मैं नहीं है ये कि सब सहलेगी। वो धाका वास्ता है, तुमको इसके साथ कोई ज्यादती मत कर देना प्लीज। जमशेद अगर ये सब देख के आपको मैं बहुत बुरी लग रही हूँ ना, ठीक है फिर आप मुझे छोड़ दें, तलाक दे दें मुझे। क्या बातें कर रही हो आलिया?
शादी हुई है, पीछे तलाक की बातें अल्लाह। अरे रहने दे आप ही, आप जब प्यार का दावा करने वाले ही बदल जाए तो फिर क्या बचा इस रिश्ते में। किस्मत आराम है। आलिया तुम्हें वाकई नहीं पता था कि मैं कौन हूं? तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया है, अब आगे क्या क्या होगा, किस तरह क्या होगा? मुझे नहीं पता था, मुझे कसम से नहीं पता था कि जाने किस जो तुम्हारी फैमिली के बाद कुछ कुछ नहीं पूछा तुमने? नहीं पूछ सका मैं। कैसे नहीं पूछ सके? तुमने कोई 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 इंफॉर्मेशन कुछ कुछ भी नहीं तुमने? आप मुझे जान से मार देंगी। क्या बात है जमशेद, आप मुझसे कोई बात नहीं कर रहे? सब खैरियत है ना? पूरे रास्ते आपने मुझसे कोई बात नहीं की है। आपकी ये छुपी मुझे बहुत डरा रही है। आप आखिर सोच क्या रहे हैं जमशेद? अगर आपको मुझ पे जरा सा भी शक है तो ये रिश्ता अभी और इसी वक्त खत्म कर दें। क्यों मुझसे आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही है? आलिया मेरी बहन ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है तुम्हारी बहन की वजह से। ये रिश्ता आज भी अजियत देता है उन्हें। अरे तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी क्यों ना हो, मुझे डर है हकीकत जानने के बाद ना अम्मा और आयशा आपा तुम्हारे सख्त खिलाफ हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमेशा मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मुझ पर ही नाम आया है। एक यतीम लड़की की जिंदगी ऐसी ही होती है, कोई उसका सहारा नहीं होता और कोई उसका साथ नहीं देता। मैंने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है, लेकिन खैर अब आप जैसा कहेंगे ना जमशेद मैं वैसा ही करूंगी। बस प्लीज आप मेरी इस बात का यकीन रखें कि मैंने आपसे बहुत सच्ची मोहब्बत की है और इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। अब छोड़ो ना, अभी इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? वैसे तुम पे और तुम्हारी मोहब्बत पे तो मुझे यकीन है और इस सब में तुम्हारा कोई कसूर भी तो नहीं है। आपकी अब ये बात सुन के मेरे दिल को बहुत सुकून मिल गया है। लेकिन जमशेद अम्मा और आयशा आपस से क्या कहेंगे? वो तुम परेशान नहीं हो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुम्हें वादा करके लाया था ना, अब मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ तो मैं तुम्हें तनहा कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन अब आपने क्या सोचा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा। अब तुम टेंशन नहीं लो ना, मैं अम्मा को और आयशा आपा को मना लूंगा। बस एक बात बताओ, कुछ खाने का पड़ा है? वो दावत में टेंशन के मारे कुछ खाया भी नहीं गया मेरे से। अभी लाती हूँ, बहुत कुछ पड़ा है, ला दो। यार अम्मा
तो मेरी जान खा जाएंगे दोनों। अम्मा हमारी बात कुछ समझ में आ रही है आपके? हाँ हाँ कुछ तो समझ आ रही है हमें। कुछ कुछ का क्या मतलब है? देखा नहीं आयशा और समीना भाभी में कैसी जंग का आगाज हो गया? देवरानी जिठानी बनके तो बड़ी टीम बना ली थी, समदने बनके ये टीम नहीं रहेगी, ये भी ख़त्म हो जाएगी। अरे हमारी बला से दोनों जाए बाहर में, हमें क्या, हमें तो अपने बच्चों की फिक्र है एनी और फाखिर की। पता नहीं किस मुश्किल में फंस गए हमारे दोनों बच्चे, अब अल्लाह जाने क्या क्या पट्टियाँ पढ़ा रहे हो वो दोनों उन बच्चों को। बस हमें लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ 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 बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा, इसीलिए तो हम यहाँ रह गए कि अगर कोई मसला हो तो हम इनसे बात करेंगे। हमारी बात अच्छे से समझ में आती है इनके। वैसे आपस की बात है अम्मा, भाई पे कितना बोझ है, हबीब तो बिल्कुल उनका हाथ नहीं बटाता, आयशा को और बाहर वाली को देखता रहता है। फराज साहब भी बहुत परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि ऑफिस का काम अब वही संभाल लेंगे। और अम्मा अब हम भी कोशिश करेंगे कि घर के मामलात में कोई टेंशन ना आए। इन भाइयों के बस की अब बात नहीं रही है, देखा नहीं आपने? फाखिर ने तो एनी की तरफ देखा तक नहीं। वाकई तुम सही कह रही हो, फाखिर बहुत गुस्से में था, हमने तो आज तक कभी उसको इस तरह से गुस्से में देखा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन आप टेंशन ना लें अम्मा, हम आ गए ना सब देख लेंगे। जीते रहो खुश हो फिर, यहाँ भी कर दें अम्मा। हाँ बेटा कर, पानी खत्म हो गया, पानी डाल रहा है। तोबा तोबा, मालिक कुछ देखता ही नहीं। टीवी देख रही हो अम्मा? हाँ बस क्या करूँ। वो अम्मा एक ऐसी बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ, क्या बात है? वो अम्मा मैं अरे क्या बेबी को देखकर बुखला जाता है, मैं बकरी की तरह कर रहा, बोलो क्या बोल रहा। अम्मा वो आलिया ना वो राहिला की बहन है। क्या क्या वो क्या कह राहिला? राहिला जी वो आयशा की सौतन जी। तुम उसकी बहन हो? हा? जी जी अम्मा। ये यही सुना है ना मैंने अभी जी। तो ये बैठी हुई क्यों है फिर? तुम बैठ के कहानियां करा रहे हो यहाँ मेरे पास? चलो चलो तुम निकलो। अम्मा मेरी बात तो सुनो, अम्मा मेरी बात तो सुनो। इतने मेरी बेटी का घर उछाड़ा, इसको मैं अपने गांव में रखूं? अम्मा इस सब में इसका क्या कसूर? इसका यही कसूर काफी है कि ये राहिला की बहन है, इसने मेरी बेटी की जिंदगी मेरे और उसका घर सब कुछ उछाड़ रखा है। अम्मा तो इसको निकाल, इसको निकाल, इसका सामान ला, देख वरना मैं खुद निकाल दूंगा आपको। जम से मैं बता रही हूँ, तू पीछे हट जा। ये तुम लोग की मिली भगत थी ना, है ना? तुम लोगों ने जानबूझ के मुझे छुपाया था ना, तुम्हें पहले से पता था। मुझे नहीं पता। इसको निकालो, इसको अम्मा अम्मा नहीं चोर 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 अम्मा अम्मा मैं बता रहा हूँ, ये गई ना तो मैं भी चला जाऊंगा इसके साथ, ये घर छोड़ के मुझे 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 छोड़ के जाएगा, इसके लिए तो मुझे छोड़ के जाएगा, माँ को छोड़ के नहीं। चलो बीबी तुमने माँ बेटे में फसाद करा दिया, तुम उसी की बहन हो, वाकई निकलो तुम यहाँ से। ये दिन भी मुझे देखना था। वो पछताए ना पछता भाभी, मैं बहुत पछता रही, बहुत पछता रही हूँ मैं। मुझे तो अपनी बेटी का डर लग रहा है। क्या मतलब, क्या हुआ, इस क्या कह रही हो? बुरा मत मानिएगा भाभी, फाखिर को आप समझा के रखिए, कुछ भी है आपने चाहे जैसी भी उसकी तरबियत की हो, लेकिन तो वो उन्हीं का खून। नहीं, ये नहीं हो सकता,
ऐसा हो चुका है आयशा। राहिला की बहन के साथ? कह नहीं ये झूठा है, कह नहीं ये झूठा है, प्लीज। क्या क्या कर रही हो, किसे फोन कर रही हो? हाँ, मैं जमशेद को फोन कर रही हूँ। आप सब जानते थे ना, ये सब पता था आपको, शुरू से सब जानते थे। छुपाए हो आपने मुझसे, ठानी रहा, क्यों करते हैं आप मेरे साथ ऐसा? आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने आपका? खुदा की मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे आज ही पता लगा है। अगर मुझे पता होता तो बात यहाँ तक पहुँचती, मैं शादी होने देता। मैं अच्छे से जानती हूँ इस सब के पीछे उस राहिला का हाथ है, इस सब के पीछे उसका मकसद क्या है, मैं ये भी जानती हूँ। तुम गलत सोच रही हो, उसे भी कुछ नहीं मालूम था। तुम्हें पता है शादी किन हालात में हुई है? कोई इस शादी में शरीक नहीं हुआ, ये बस उन दोनों का आपस में जज्बाती फैसला है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो वो कुछ नहीं जानती थी? क्योंकि गलती तुम्हारी है, तुम लोगों ने छानबीन नहीं की। अगर छानबीन करते तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, शादी नहीं होती। शादी नहीं होती, बेवकूफ हम बने, झूठ हमसे बोला गया, अब कसूरवार भी हम है। वाह, क्या इंसाफ है आपका हमीर साहब। मैं तुम्हें कोई इंसाफ इंसाफ नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझ में आ रहा है मुझे। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको उससे हमदर्दी हो रही है, तो जैसे आपके लिए कुछ हुई नहीं। कि तुम बात को कहाँ लेके जा रही हो? मैं बात को कहाँ लेके जा रही हूँ, या आप मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? तुमसे बात करना फजूल है। तो मत कीजिए, खत्म कर दीजिए यहीं पे बात। लेकिन एक बात याद रखिएगा अमीर साहब, वो आपकी राहिला जो भी करने की कोशिश कर रही है ना, वो जो भी चाल चल रही है ना, वो इस घर की तरफ जो कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मैं उसकी हर चाल को नाकाम बना दूंगी, मैं कामयाब नहीं होने दूंगी उसे। तो अब क्या करोगी तुम? जो होना था वो तो हो गया। हाँ, आप तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मेरा भाई एक बार मेरे कहने पर उसे घर से बाहर खड़ा करेगा। तुम्हारा भाई उस... तुम्हारी गलत फहमी है ये तुम्हारी, ये जो तुम अपने भाई के भरम करा रही हो ना, उसकी गर्दन नहीं उठती बीवी के आगे, तुम्हारी क्या बात सुनेगा वो? मेरा दिमाग मत खराब करो, जाके अपने भाई से बात करो। उससे तो कर लूंगी मैं बात, लेकिन आपका क्या करूं? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं मालूम था, अगर पता होता तो ये मैं शादी नहीं होने देता। तुम जानो और तुम्हारा भाई जाने, मुझे इन सब चीजों से दूर रखो, तुम समझी? दूरी तो है आप, जाइए। जरा बुलाओ उस नवाबजादे को। आपको क्या फिक्र पड़ गई उसकी? अरे क्यों नहीं होगी फिक्र मुझे, ये क्या बात हुई, दुश्मन थोड़ी हूं मैं उसका। रवैया तो आपका उसके साथ दुश्मन बनाई है। बाकी सबको बातें सुनाकर तुम्हें आराम नहीं आया जो मुझे इतनी बातें सुना रही हैं? आपका अपना बेटा है, कभी तो उसकी तरफदारी भी कर लिया करें। अरे कोई वजह होगी तो तरफदारी करूंगा ना, हमेशा काम ही सारे उल्टे करता है वो। गलत समझते हैं आप, वो अपनी पूरी कोशिश करता है। ऐसा तुम्हें लगता है? मैं समझता था समझदार है, रिश्ते को ठीक तरह से चलाएगा, उसके और एनी के दरमियान दूरियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, अभी तक वो इस रिश्ते को ही नहीं तस्लीम कर रहा है। थाली एक हाथ से नहीं बचती, एनी भी तो नहीं कर रही है, वो भी तो आपको बात का पता है, ऐसे इल्जाम लगा दिया आपने उसको। अरे भाई भले उसका वो आमना लड़की के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन जब उससे मिलेगा बात करेगा तो वो तो रहेगी ना इन दोनों के दरमियान, इसी तरह मसले खड़े होते रहेंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चंद दिनों के लिए इन्हें घूमने फिरने के लिए भेज दूँ, यहाँ से दूर रहेंगे तो मसलों से भी दूर रहेंगे और फिर जेहन भी फ्रेश हो जाएगा। हाँ, आइडिया तो अच्छा। और फिर वो अपनी सायका और उसके बच्चे भी आए हुए हैं,
वो भी इसी बहाने सैर सपाटा कराएंगे। चाय कब पी जाएगी? हाँ तो इसमें क्या हर्ज है, बस आज ही इनके जाने का बंदोबस्त करता हूँ मैं। अभी आप कह रहे थे कि खर्चे बढ़ गए हैं, पैसा बहुत खर्च हो रहा है और अब इतने सारे लोगों को आप भेज रहे हैं। अरे मैं कर रहा हूँ ना, करने दो मुझे, हमेशा से करता आया हूँ। तुम रहने दो, तुम इस चीज की फिक्र मत करो, बस बच्चों से कहो कि तैयारी करें। ठीक कह रहे थे, हाँ नहीं मेरा तो कोई मामला नहीं, कर ही चुका है। फसले क्या करेंगे यार, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मुझे लगा तुम दोस्तों के साथ बैठे हुए होगे। कुछ हुआ है क्या? मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा। कुछ नहीं हुआ। मेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है तुम्हें कुछ हुआ है। क्या हुआ? तुम कुछ नहीं हुआ यार, बार बार पूछे जा रही हो क्या हुआ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बता चुका हूँ। फाखर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा झूठ फौरन पकड़ लेती हूँ। तुम्हारे चेहरे पे ना साफ साफ दिख रहा है तुम्हें कुछ हुआ है, तो बताओ क्या हुआ है। तो एनी है ना, मुझे जहर लगती है, जीना हराम करके रखा हुआ उसने मेरा। एक दिन उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगी। तो मैं तो बहुत गुस्सा आया हुआ है। यही गुस्सा मेरा एक दिन बहुत भारी पड़ने वाला है, मैं बता रहा हूँ। पाखर देखो, आई नो कि तुम लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं और तुम उसको पसंद नहीं करते, बट क्या कर सकते, तुम लोगों की शादी हो चुकी है। एक तुम मेरी बात समझते हो, लेकिन तुमसे ही बात करना जो ना मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह बन गया। क्या मतलब? मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? बात करते सुन लिया था उसने मुझे एक दफा तुमसे, उसके बाद घर में फसाद खड़ी करती बिलावजह। मैंने तो कुछ नहीं किया। तो यार तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये बात घर वालों को और एनी को कौन समझाए। देखो फाखर, तुम ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इसलिए तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ये बात उसको समझा दो ना। मैं समझाऊँ? मुँह तो ठीक कर लो यार। सही है। मैं फाखर ठीक हो जाओ जल्दी से, फाखर मैं बात खराब कर दूंगी। और आयशा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनो, वो तुमसे कुछ पूछना था। वो जहीर बच्चों को ना सैर के लिए भेजना चाहते हैं, सायका और बच्चे भी जा रहे हैं, तुम और फायसा जाओगे? रो क्यों रही हो? स्वामी मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या क्या हुआ है? राहीना ने फिर नया ड्रामा रचाया। क्या? अपनी बहन के साथ मिलकर बहुत चलाकी से मेरे भाई को फंसा लिया, शादी कर ली, अपनी बहन की शादी करवा दी जमशेद से। इतना सब कुछ हुआ और तुम्हें खबर तक ना हुई? क्या अक्ल पे पर्दे पड़ गए थे मेरे, और क्यों? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा कसूर बिल्कुल नहीं है। अभी बच्ची भर के तुम्हें लगा हुआ है, पता नहीं सुलझाते सुलझाते मुसीबतें और उलझती जा रही हैं, पछताएगा एक दिन ये। वो पछताए ना पछता भाभी, मैं बहुत पछता रही, बहुत पछता रही हूँ मैं। मुझे तो अपनी बेटी का डर लग रहा है। क्या मतलब, क्या हुआ, क्या कह रही हो? बुरा मत मानिएगा भाभी, फाखिर को आप समझा के रखिए। कुछ भी है, आपने चाहे जैसी भी उसकी तरबियत की हो, लेकिन तो वो नहीं कह सकता। अरे सब फाखिर के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? Use pre-reading strategies to predict the context of a text from the keywords by using their prior knowledge, asking questions and using context. क्या जरूरत है सबके सामने मेरा तमाशा बनाने की? हाँ, साबित क्या करना चाहती हो, हासिल क्या करना चाहती हो तुम? हाँ यही चाहती थी ना, यही प्लान था तुम्हारा कि मुझे सबके सामने जलील करवाओ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हें जलील करवाने के लिए मैं पूरा प्लान बनाऊं। बस तुम्हें हकीकत याद दिलवाना चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो गई है, क्योंकि ये हकीकत मुझे तो हर वक्त याद दिलाई जाती है, पर इस घर के मर्द ना अक्सर ये बात भूल जाते हैं। तुम्हें पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
तुम्हें लगता है जो हरकत तुम्हारे अब्बा ने करी वो हर मत करता है। ऐसा कुछ नहीं है। पहली शादी से मैं आजिज हो गया हूँ, दूसरी शादी करूँगा आगे बड़ी। एक और बात, जो कीचड़ आपने उछा ली ना यहाँ पे, वो आप ही के लिए अजाब बनेगी, मेरे लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा, धमकी दे रहे हो? नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। और मुझे था कि हम दोनों के बीच में कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम दूसरों के सामने अपने अपने फायदों के लिए तो कम से कम अच्छे बन सके। लेकिन नहीं, आपका आपका माशाल्लाह जो गुस्सा है आपकी अकल से ही ज़्यादा बड़ा है। क्या कर सकता हूँ। एक बात याद रखो, अब आइंदा से मैं भी कोई लिहाज व्याज नहीं करूँगा आपका। यही देखना रह गया था मुझे। बस कर दो आयशा, बस सब्र करो, अब कुछ नहीं हो सकता। आपा मुझे माफ़ कर दें, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मुझे नहीं पता था आलिया कौन है। जो कुछ हुआ महज इत्तेफाक है, इसमें मेरी और आलिया की कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरी गलती है? तुम्हें नहीं देखना चाहिए था कि तुम जिससे शादी कर रहे हो उसकी बहन कौन है? देखना वो दोनों मिलके क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगी अब, बल्कि आलिया तो कह रही थी कि राहिला की शक्ल भी नहीं देखेगी। पहले ही दोनों बहनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, एक दूसरे से मिलती भी नहीं है, सिर्फ नाम की बहन है अब्बा। चुप रहो तुम, सब जानती हूँ मैं। तुम बन सकती हो कि बेवकूफ इन दोनों बहनों के हाथ, मैं नहीं। अच्छी तरह जानती हूँ इसमें राहिला की जान। अम्मा आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे? मैं बहुत बोल चुकी, तुम अपनी भड़ास निकाल लो, लेकिन फायदा कुछ नहीं होने वाला। आपा आपको खुदा का वास्ता, गुस्सा थूक दें। जमशेद हुआ, इतनी जल्दी अपनी बहन के आंसू भूल गए? तो भूल गए कि उस राहिला ने कितना रुलाया तुम्हारी बहन को? कैसे? अम्मा मैं आपको बता रही हूँ, राहिला की इसमें चाल है। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो मैंने राहिला आपस से भी ताल्लुक खत्म कर दिया है। मेरी जिंदगी जो है बस जमशेद के साथ है। चाय। हद होती है आपा, मतलब इतनी भी जिद नहीं होनी चाहिए इंसान में। वो बेचारी आपसे माफी मांग रही थी, आपको मना रही थी, और आपने उसका हाथ जला दिया। अंदर चलो, मैं मरहम लगाऊं तुम्हें। हद है यार, इन लोगों को समझाना। आयशा, ये जमशेद था? अब मैं जान के नहीं किया गलती से, मुझे पता है बेटा, कोई हक गई होगी। ये जमशेद, हाय शुक्र है जहीर भाई ने ये प्लान बनाया। कब से हम यहाँ आए हैं, कोई घूमने फिरने का प्लान ही नहीं बना था। खैर जरूरत क्या थी सही कोई प्लान बनाने की इस वक्त? पैसों की वैसे ही इतनी किल्लत है और खर्चा बढ़ा रहा है। अम्मा वैसे भी कोई पैसों की किल्लत नहीं है, और जहीर भाई ने कुछ सोच समझ के ही प्लान बनाया होगा। अच्छा सुनो, मम्मी से जरूर पूछ लेना, वो तो पता है ना उसका, तो जल्दी नाराज हो जाती है। हम नहीं पूछ रहे फैमिली से, जहीर भाई का प्लान है ना, समीना भाभी को पूछना चाहिए। मैं क्यों खर्चा बढ़ाने की बातें करूँ? और अभी तो आप कह रही थी कि किल्लत है पैसों की, और अब कह रही पूरा कुंबा जाए साथ। आयशा और समीना भाभी भी तो नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं ना बच्चों के साथ, आगे जहीर भाई की मर्जी। हमारी तो कुछ नहीं आ रहा कि ये प्लान बना ही क्यों है। आखिर जहीर को सूझी क्या थी? काहे को भाई, काहे के लिए, किस लिए इस वक्त ऐसे मौके पर? अब बन गया ना प्लान, जाने दें हमें घूमने, सैर सपाटा करते हुए। और वक्त भाई का वैसा ख्याल नहीं है तुम्हें? बहुत भूख लग रही है। हैं? नाश्ता नहीं बनाया अम्मा? ये सवाल तो तुम अपनी बीवी से जाके करो। मुझे इस कदर भूख लग रही थी, कब से यहाँ बैठे इंतजार कर रही हो, है काम आ रहा नहीं? अरे अम्मा, वो आपा ने उसका हाथ जला दिया था ना, तो बुरा हाल है बेचारी का। तो इसका मतलब है हमें भूखा रखेगी वो, अब हद हो गई। अरे अम्मा खुद सोचे, अब ऐसी हालत में घर के काम काज कैसे करेगी बेचारी। जमशेद, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पहाड़ टूट पड़ा हो। आयशा ने कोई जलता हुआ कोयला नहीं रख दिया उसके हाथ पर, जरा सी चाय गिर गई थी और क्या, ड्रामे कर रही है वो ड्रामे। अरे अम्मा ऐसी बात नहीं है,
मैंने खुद मरहम लगाया है उसे, कल अच्छा खासा जला है, और मैंने ही उसे मना किया है घर के काम वाम करने से, जब तक ठीक नहीं हो जाती आराम करने दो बेचारी को। और अम्मा आपको बोल रहा हूँ, ये ज़रा ना आपा को समझाएं, ये अपना गुस्सा ना मेरी बीवी पे निकालना छोड़ें। वो देख रही हूँ जमशेद, सब देख रही हूँ, जो तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो, उसकी खिदमत गुजारियाँ कर रहे हो, हैं? देख रही हूँ तुम्हारी नाइंसाफ़ी। अरे अम्मा कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा, ना आपके साथ ना किसी और के साथ, बाकी आपा ने जो किया वो गलत किया। मैं तो खैर छोड़ें यार, आप भूख लग रही है, कुछ आप बना के ला देना। मैं किचन में जाऊँ? अगर मुझे भूख ना लगी होती ना तो कभी उठते ना जाती। ऐसी औलाद पर औलाद बैठी रहे मेज पर, वो सोती रहे महारानी, और माँ किचन में जाए। तोबा तोबा तोबा, बहुत ही बुरा वक्त आ गया है। बड़ी अम्मी आप क्यों नहीं बता रही? अरे पाखिर को आने दो ना, मैं बताती हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। आओ बुला रही थी। हाँ तो कुर्सी पकड़ो बैठो। ठीक हूँ यार, बताएं सही हूँ। अरे जो कह रही हूँ वो करो ना, बैठो। सुनो बढ़िया मैं, अब तो बता दें, तुम्हारे बाबा ये चाहते हैं कि तुम दोनों साइका पुप्पा और उनके बच्चों के साथ जरा घूमने फिरने के लिए जाओ। क्या क्यों? तुम्हारे बाबा ने सारे इंतजाम कर दिए, अच्छा है ना, जाओ मजे करो एंजॉय करो। नहीं बड़ी अम्मी हमें नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा। किस बात की सजा है यार? तुम लोग जानते हो तुम्हारे बाबा के फैसले के आगे तो कोई नहीं बोल सकता। हिम्मत है तो खुद ही जाके बात कर लो फिर। अच्छा है ना, जरा बाहर जाओगे घूमोगे फिरोगे, को थोड़ी सी हवा लगेगी तुम लोगों के दिमागों को, गर्म दिमागों को शायद ठंडे हो जाए। फिर देखो तुमने पढ़ाई का कहा था ना, तुम्हारी शर्त पूरी हुई, घर की बच्ची हो, कोई जिम्मेदारी नहीं डाली तुम पर, बाबर्ची खाने की जिम्मेदारी नहीं डाली, घर की जिम्मेदारी नहीं डाली ताकि तुम पढ़ सको। लेकिन अगर तुम लोग अपना मिजाज नहीं बदलोगे ना, और इस तरह तुम लोगों का बचपना चलता रहा, तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, जो फिर बड़े हैं ना उनको तुम लोगों के साथ रवैया तब्दील करना पड़ेगा, फिर ना शिकायत करना। देखो चाहते ना चाहते हुए जो होना था वो तो हो गया ना, अब हम उसे बदल तो नहीं सकते, तो क्या ऐसे ही रहोगे तुम लोग? बेहतर नहीं है कि इस हकीकत के साथ समझौता कर लो और आगे बढ़ो, हो सकता है आगे बेहतरी हो। सोचो इसके बारे में, जरा बाहर जाओगे घूमोगे फिरोगे सोचोगे तो शायद तुम लोगों को कुछ समझ आ जाए। चलो जाओ शाबाश, तैयारी करो। ऐसा